नमस्कार, मैं हूँ सुरति जिंदल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद हेल्थ शो स्वास्थ्य ज्ञान में, जिसमें आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की, यानी कि बांझपन होता क्या है। बहुत सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई हम जानने वाले हैं और इस विषय में ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ केयर IVF की प्रोग्रामिंग डायरेक्टर डॉक्टर शारदा जैन और साथ ही साथ लाइफ केयर IVF की डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, किस वजह से होती है, बांझपन क्यों होती है, किसे कहते हैं, आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई सबसे पहली शुरुआती जानकारी आप हमें ये बताइए कि क्यों होती है, कैसे होती है, किसे कहते हैं बांझपन, और जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, ये सिंपली ये है कि एक दंपति को बच्चा नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोगों ने एक सेट लाइन बनाए रखी है जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो करती है कि अगर एक साल दंपति एक साथ रहते हैं और कोई कॉन्ट्रसेप्टिव नहीं यूज़ कर रहे, उसके बाद भी उनको अगर बच्चा नहीं रहते तो उनको हम कहते हैं कि आपको सब फर्टिलिटी है और आपको अपनी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, जिसमें कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। अक्सर आपने ये देखा है कि महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो यानी कि औरत बांझ है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिला में है। क्या वाकई ऐसा होता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है, कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या कुछ ऐसा है कि इसका ताल्लुक सिर्फ महिलाओं से ही है? देखिए, इनफर्टिलिटी एक तो बढ़ रही है, 15% पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी पाई जाती है, और बाहर के देशों में ये एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ गई कि जो मेल समाज है वो उसने एक्सेप्ट किया कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ये डॉक्टरों के माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि 1/3 में एक्सक्लूसिवली मेल रिस्पॉन्सिबल है, 1/3 में फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, और 1/3 केसेस में दोनों ही को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो रफली 50-50 दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें जो पुरुष वर्ग है उसको बहुत समझना चाहिए कि दोनों ही इसमें हैं, और वो जमाने अब चले गए जबकि हम खाली महिला को ब्लेम कर सकते थे। बांझपन होने का क्या कारण है, सबसे बड़ी बात ये है, आइए जानते हैं। इस विषय में जानकारी देने के लिए डॉक्टर ज्योति, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है जो बांझपन हो जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए मेन कॉज क्रिएट करते हैं? फर्टिलिटी की समस्या को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि ये, जैसा भी आपको डॉक्टर शारदा जैन ने बताया, कि ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। तो कुछ हद तक महिलाएं रिस्पॉन्सिबल हैं और उतने ही सेम हद तक पुरुष भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें थोड़ा अंश महिला का है, थोड़ा पुरुष का है, दोनों मिला के बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और इन सब के बावजूद भी 5-10% ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण हमें पता चले कि इनफर्टिलिटी क्यों हुई है। जहाँ तक महिला का सवाल है, महिला में 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। हमें देखना ज़रूरी है कि उसका अंडा बनता है नहीं बनता है, उसके ट्यूब्स खुले हैं नहीं खुले, और उसके बच्चेदानी का साइज़ कैसा है, बच्चेदानी में 9 महीने का बच्चा टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। और जहाँ तक मेल का सवाल है, मेल में ज़रूरी है देखना कि वो जो बीज जिसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उनकी मोटिलिटी कैसी है। स्पर्म्स मूव करते हैं, अगर उनकी मोटिलिटी अच्छी है तो प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है। और कई बारी दोनों मेल प्लस फीमेल दोनों का कंबाइंड रिजल्ट भी होता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। और इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस, इन सब कॉजेज़ के अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का, जो कि हमारे ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। जब एक दंपति को ये पता चल जाए कि उसके बच्चा नहीं हो सकता, तो उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर शारदा, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक अब आज के समय में तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी दंपति को बच्चा नहीं हो सकता। अगर नॉर्मल वे में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ स्वस्थ हैं तो 85% को बच्चा ठहर जाएगा, ठीक है। 15% लोग जो हम लोगों के पास आते हैं उसमें सिंपल प्रक्रियाओं से जो है बच्चा जो है उन लोगों को 60-70% लोगों को बच्चा हो जाता है। जो 20-25% बच्चे परसेंट लोग रह जाते हैं उसमें IVF की ज़रूरत होती है। हम ये कहते हैं कि अगर एक दंपति हमारे पास आता है तो 2 साल के एंड में उसके पास बच्चा होना चाहिए। इसका मतलब 2 साल से ज़्यादा हम डॉक्टर्स को उनको हिलगाना नहीं चाहिए, और इन लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए कि एक अच्छी टीम के साथ रुके और आपको फिर बच्चा मिलेगा।
कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब इस तरह की दिक्कत आती है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर भी है जो प्रभावित कर सकता है बच्चा होने पर? डॉक्टर ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे इस विषय में। एज फैक्टर आपने सही कहा, एकदम ठीक है। इसमें फीमेल की एज और मेल की एज दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर ये बोलते हैं कि फीमेल बड़ी उम्र की हो गई इसलिए नहीं होगा, लेकिन आज मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि एज ऑफ द फीमेल और एज ऑफ द मेल दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पुरुष में किसी प्रकार का अल्कोहल है, स्मोकिंग इनटेक है, या कोई भी इस तरह का एडिक्शन है जो कि उनके स्पर्म्स की काउंट को कम करता है, अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, मेल और फीमेल्स में आजकल का जो ये लाइफस्टाइल है इससे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लोग मोटे होते जा रहे हैं, उन लेथार्जिक होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज के नाम पे वो कुछ भी नहीं करते हैं और इससे इनफर्टिलिटी बढ़ती है। और इतना ही नहीं, आजकल जिस तरह से ज़माना हमारा बढ़ रहा है, जो ये कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, जब वो अपने लैपटॉप अपनी गोद में रख के काम करते हैं उससे भी कुछ इस तरह की रेज आती हैं जो कि उनके स्पर्म काउंट को कम करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों का अवॉइड करें, अल्कोहल, स्मोकिंग, हम हेल्दी हों, हम अपना वेट ठीक रखें, एक्सरसाइज करें। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी डॉक्टर शारदा? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चा चाहते हैं उसको थोड़ा सा जल्दी सोचें। जब डॉक्टर लोग आपको सलाह देते हैं अपने एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसको हम लोग को तुरंत एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, और जैसे जैसे जो भी कारण उनको पता चला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे सहयोग लेकर इसको प्रक्रिया को लेना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंपल टेक्निक्स है, जैसे IUI है, कहते 3 IUI एक IVF के बराबर है, और अगर 3 IUI के बाद भी हमारे को बच्चा नहीं हो रहा तो हमको IVF के लिए जाना चाहिए। तो हमने बहुत सारी जानकारी आज हासिल की कि आखिरकार इनफर्टिलिटी होती क्या है, बांझपन होता क्या है, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्या इसका कारण है, और किस तरह से हम अपने आप को इससे उबार सकते हैं, और ख़ासकर किस तरह से अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। चंद बातों की जानकारी हासिल करने के बाद ये आज हमने जाना है, और साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ टिप्स भी आपको डॉक्टर साहब ने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त देने का, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।